एक सत्य घटना बताता हूँ, इस वक्त याद आ गई तो मेरे को, मैं नाम शायद भी बता सकता हूँ लेकिन आदमी का स्वर्गवास हो गया है। एक छोटा सा आदमी था, नाम था विनोदी लाल नाम था, पार्टनर करके, वो मेरे पास आया। उसने 35,000 रुपये किसी सेठ के यहाँ जमा करा रखे थे 2 रुपये सैकड़े पे, और उसने उस चिट्ठी में ये लिख दिया कि मैं मर जाऊँ तो टोडा मन स्मारक ट्रस्ट को ये पैसे दे दिए जाएँ, और उसकी एक कॉपी उस सेठ को दे दी और एक कॉपी मेरे को आके दे दी। लोहड़िया जी जयपुर की घटना है। ये ठीक है, वो मेरी सभा में रोजाना प्रवचन करने आता था, सुनने आते थे। अब बड़े मंदिर में प्रवचन करता था मैं, उन दोनों की बात है। रोजाना बड़े मंदिर जाता था टोडामल जी वाले मंदिर में प्रवचन करने। अब मेरा ऐसा है कभी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसा सब होता ही है ना गड़बड़, तो मैं नहीं जाऊँ, मेरे पास आप नहीं आए ऐसा रह रहे जैसे उसने मुझे खरीद लिया, मैं बदुआ मजदूर हूँ, ऐसा बोले क्या? दो चार दिनों कभी तबीयत खराब थी ऐसे, तो मैंने शांति से जवाब दे दिया, नहीं साहब मैंने दिया, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। अरे तू कैंसिल कर देगा? लेकिन मैंने लेके जाके उसके उसके सामने लाके से फाड़ फाड़ के मंदिर में 10 टुकड़े करके फेंक दिए। मैं जा तू क्या समझता है कि तूने वो 35,000 रुपये तेरे मरने के बाद टोडा मल स्मारक को मिलेंगे? हो सकता मैं ही पहले मर गया तो टोडा मल स्मारक को खरीद, मुझे क्यों खरीदता है? मुझे कोई माई का लाज आज तक ना खरीद पाया है और इस भव में तो खरीद पाएगा नहीं। उसे समझाया मैंने, आप दान देते हो, हम तो रोग करते हो, हम तो कृपा करते हो, वो मेरे पेट में जाने वाला है कि धर्म प्रचार के लिए देते हो? बोलिए, ये सिविल लगेगा तो हजारों लोग, ख्याल में आए ना, हजारों लोग लाभ लेंगे। तो आपने उनके लिए दिया है कि मुझे दिया है कि मकुन भाई को दिया है? मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूं, जगदीश भाई को, रमेश भाई को और मोटानी जी को, कि आप चिंता मत करो, मुकुंद भाई के पास तुम्हारा एक पैसा नहीं बचने दूंगा। मैं इतने लोगों को लाऊंगा शिविर में कि इन्हें ठहराने के लिए जगह भी मिलेगी और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। है कोई दिक्कत की बात नहीं है, घाटा भी नहीं रहेगा लेकिन बचेगा भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सहज अपने अपने परिणाम की बात है। आप पैसे के हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान के हिसाब से कर सकते हैं, कोई अपने बेचारा कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ वहाँ उसकी भी तो जरूरत है ना। एक जो काम का कार्य करता है सबसे ज़्यादा तो उनकी कीमत है, दौड़ धूप तो बेचारे वो करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, ये जो सिद्धांत है ये गुलाम बनाने वाला सिद्धांत है, ये भय पैदा करने वाला सिद्धांत है, ये अभिमान पैदा करने वाला सिद्धांत है, समझे ना। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, हम अपने भले बुरे के जुम्मेवार सब स्वयं हैं, ख्याल में आया ना। ये जैन दर्शन कहता है, ये आएगा समझ में कि नहीं आएगा?